जय महाकाल दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँ निफ्टी 50 की बैंक एनालिसिस। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे दो ऑप्शंस की कॉल लेकर आऊँ, जिसमें लेफ्ट साइड हम लोग कैश सेगमेंट का चार्ट ओपन करके रखेंगे, राइट साइड हम लोग ऑप्शंस की 29 फेब की 2940 स्ट्राइक प्राइस अलायंस का स्टॉक ओपन किया है। इस तरह दोस्तों हम लोग एनालिसिस करेंगे और साथ ही उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा जो चार्टिंग स्कैनर है बेस्ट फॉर सेल्फ ट्रेडिंग, उसके हमारे हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे निफ्टी की तरफ। दोस्तों निफ्टी में क्या चल रहा है आजकल, क्या साइकोलॉजिकल यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हुआ है निफ्टी में। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, दो दिन पहले निफ्टी में ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब बोलोगे भाई इतनी पुरानी बात से क्यों चालू कर रहे हो। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पुराना एनालाइज करेंगे, जिस दिन यहाँ पे धमाकेदार यहाँ पे सेलिंग हुई थी मूवमेंट आया, तो हुआ क्या था भाई, ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों, पहले क्या हुआ भाई, मार्केट गिरा यहाँ से तेज से धड़ाम। ठीक है, लोगों को लगा भाई अभी तो पुट खरीद के मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया, काफ़ी लोगों ने, हम रिटेल लोगों ने बनाया होगा पुट करके, क्योंकि हमको पता लग गया था न्यूज़ जो आई है एकदम बिल्कुल रेपो रेट के बारे में थी कम बैंक्स के, तो बैंक के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं थी, तो वहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी गिरा और भी चीज़ों में फाल आया, इसलिए यहाँ पे मार्केट फाल आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर उसने एक चैनल क्रिएट कर लिया। ठीक है, ऊपर जाया, ऊपर गया, अब ये लगा कि भाई देखो, एक बोलते ना हम लोग कितना ही गिरेगा ये वर्ड, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इल्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई कितना ही गिरेगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे लोगों ने इधर कहीं तो कॉल नहीं बाई किया, क्योंकि लोगों को पता नहीं था बॉटम कहाँ है, लेकिन जब यहाँ से यू टर्न मारा तो लोगों को लग गया कि भाई बॉटम है यहाँ पर। ठीक है, कितनी बजे तक, 12 बजे के आसपास ये पता लग गया कि हाँ ये बॉटम लगा दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ का हम लोग, यहाँ से इसने यू टर्न मार लिया, अब यहाँ पे हम लोग कॉल खरीद के रख सकते, क्योंकि बोलते ना कितना ही गिरेगा, तो कितना ही गिरेगा की वजह से यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हुआ कि भाई यहाँ से मार्केट कॉल खरीद सकते। तो इस मोमेंट पे दोस्तों लोगों ने ऑब्जर्व करके यहाँ पे कॉल का इल्यूजन क्रिएट हुआ, उसके बाद दोस्तों फिर से धड़ाम से गया। लेकिन दोस्तों अब जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया कॉल, जनरली इतनी हम में कैपेबिलिटी होती है कि भाई 0.5% के आसपास अगर गिर रहा है तो हम होल्ड करके रख लेते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग सोचते हैं लॉस क्यों बुक करना, होल्ड कर लो, कोई नहीं मार्केट होगा, रिकवर होगा, जब यहाँ से एक बार रिकवर हुआ है तो फिर से एक बार फिर से रिकवर, और वैसा हुआ भी। ठीक है, इमीडिएटली उसी दिन हाफ ऑलमोस्ट रिकवर किया, तो लोगों ने और जिनकी हिम्मत थी वो और पक्की हो गई कि भाई रिकवर दिखाएगा। अब मार्केट खुला नीचे, हाई वॉलेटिलिटी दिखा दी, जिनमें पेशेंस था वो टिके रहे, जिनमें पेशेंस नहीं था वो इस वाले फॉल पे उनने कहा भाई अब तो लग गई भाई लंका, निकल लो। जैसे ही निकले मार्केट ने लगाया फिर से बाउंस, फिर से सेम चैनल का डुप्लीकेट क्रिएट किया, और फिर से यहाँ पर आके दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर आके क्यों इसने रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि इस मोमेंट पर हमारे कॉल बायर बैठे हुए थे। ठीक है, जो पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते, बड़ी क्वांटिटी के जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल खरीदा होगा, इल्यूजन क्रिएट किया हुआ यहाँ पे, तो कॉल हमारा अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आ रहा है, जिनने कॉल खरीदा उनने सोचा कि भाई चलो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका है, निकल लो, तो यहाँ पे निकल रहे हैं, फिर निकल रहे हैं। इससे दोस्तों इस मोमेंट पे एक अच्छा खासा जबरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, कल अगर कैसे तो भी करके ये वाला जो मोमेंट है, ये जो है रेड लाइन कर देता हूँ मैं, चलो येलो रहने और ऑरेंज रहने देते हैं, ये ऑरेंज लाइन को अगर कल ब्रेकआउट करता है, अब मैं दोस्तों सारा डिलीट कर रहा हूँ ऑरेंज लाइन को छोड़कर, ऑरेंज लाइन को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा। अब दोस्तों कल सिंपल सी लॉजिक रहेगी, अगर ये मार्केट खुलता नीचे यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट कर देता है कैसे तो भी करके, तो समझना यहाँ जो कॉलर सेल करने वाले थे उन्होंने या तो और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, या सारे सेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो चुके हैं, और नहीं तो यहाँ पर आने पर कुछ लोग और यहाँ पर कॉल की क्वांटिटी ऐड करेंगे, ये अभी एल्यूजन क्रिएट हो रहा था। उससे दोस्तों हमको लगता है कि स्टॉक अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया तो अच्छे से यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की यहाँ पे संभावना बनती है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप दिस ट्रेंड लाइन, तो हम लोग लिख देते भाई कॉल बाई। तो कॉल बाई में दोस्तों अब ये आपको अलर्ट आ जाएगा, जैसे ये इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा आप लोगों को यहाँ पे इसका अलर्ट आ जाएगा। तो यहाँ फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर से अलर्ट ठीक से लगा देता हूँ मैं क्रॉसिंग अप। ओके, ये तो हो गई भाई निफ्टी की हमारी सटीक एनालिसिस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ हम लोगों को यहाँ पे 5 मिनट कैंडल की बात करते, चलो 15 मिनट लेते, थोड़ा और अच्छा दिख जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, ये रहा दोस्तों 15 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अब दोस्तों देखो जितना फॉल आना था उस दिन, जिस दिन यहाँ पे न्यूज़ आई थी,
उतना आ गया 2% निफ्टी ने। अब उसमें दोस्तों यहाँ पे रिकवरी दिखी है और इसने यहाँ पे भी दोस्तों चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, ये चैनल क्रिएट किया है, ये रहा उसका छोटा सा चैनल, तो यहाँ पर ट्रेड करता हुआ आया है और फिर से वही चीज़ होगी दोस्तों इसमें भी। इधर कहीं जिन लोगों ने कॉल खरीदा था, हालांकि 2% किसी को कॉल कैरी फॉरवर्ड करने की हिम्मत नहीं होती जनरली, आई एग्री, लेकिन फिर भी कुछ होंगे भाई, ये चलो अभी ले ली, गलती हो गई है तो चलो कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो, तो यहाँ पे आके फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक बार दोस्तों कल क्या हो सकता है, हाई चांसेस ये लग रहे हैं कि कल यहाँ पर जाके एक दो बार फिर से नीचे गिरे। अगर धोखे से इसने कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल दिया तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर अच्छे से, दोस्तों पहली बार में तो बहुत मुश्किल है कि इसको निकाले। पहली बार में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे आता है तो हम लोग पुट बाय करके रख सकते हैं दोस्तों इस चैनल के ब्रेकआउट पे, ठीक है। और सेकंड टाइम फिर से जाता है तो दोस्तों समझ लेना कि अब ये ऊपर की तरफ जाने की इसकी कैपेबिलिटी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, मैं दोनों चीज़ करता हूँ यहाँ पर, मैं अलर्ट किस तरह लगाता हूँ, क्रॉसिंग अप, है ना, क्रॉसिंग अप कर दिया तो सी बाई ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, अच्छा ऑलरेडी अलर्ट लगा के रखा है। अभी मैं इसको चैनल जो क्रिएट किया ना दोस्तों, अगर चैनल का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ये रहा चैनल, अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे पी यू टी बाई लिख देता हूँ मैं, क्रॉसिंग डाउन। तो दोस्तों ये समझ लो, ये जो चैनल है ना, ये वाली नीचे की लाइन, इसका अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर हम लोगों को पुट बाई करना है और इस लाइन का ब्रेक, इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि ईजी थोड़ा समझ में आ जाए। ये रहा रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को यहाँ पे कॉल बाई हमारा यहाँ पे बनता है, तो और नीचे गिरता है तो यहाँ पे पुट बाई इस चैनल के सपोर्ट पे, ठीक। अब बात कर लेते दोस्तों दो स्टॉक जो मैं आप लोगों के लेकर आता हूँ, आज भी दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, एक रिलायंस, खुद ही रिलायंस ही लेकर आया हूँ आप लोग के, खुद ही क्यों बोल रहा हूँ, रिलायंस खुद ही एक अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टॉक होता है दोस्तों। तो ये मैं किस बेस पे लाया हूँ दोस्तों, मैं आपको वीकली कैंडल पे लेके चलता हूँ, यहाँ डोजी बनाया है दोस्तों और वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, स्ट्रेटजी पे बनाया लेकर आया दोस्तों ये, क्योंकि ये वीकली कैंडल बना है और ये उसका ब्रेकआउट देने वाला है मंडे को दोस्तों, अगर देता है तो एक बहुत पावरफुल ब्रेकआउट होता है दोस्तों। वीकेंड को जो निकलते हैं ना क्योंकि वो पूरे 5 दिन के कंसंट्रेशन को अपने अंदर बंद करके रखते हैं, सो डोजी बना है, आप देख रहे हो डोजी क्या होता है, पूरी वॉलेटिलिटी को पूरा कंट्रोल करके रखता है। और मंडे, आपको पता है मंडे कितनी भर भर के ट्रेडिंग होती है, तो अगर मंडे को अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देता है तो हमको एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्रॉसिंग अप तो बाई कॉल एक्टिवेटेड लिख देता हूँ भाई मैं, बाई कॉल फॉर इंट्राडे, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे हमारी बाई, अब बोलोगे सर लेवल कहाँ पर है, इसके टारगेट वो कहाँ पर है, तो टारगेट लेवल का ऐसा है कि मैं आप लोग हमेशा यहाँ पर ये बोलता हूँ कि ये जो वीकली होता है तो इसमें दोस्तों यहाँ पर 2.7% आराम से एक दिन में निकाल के दे देता है, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, एफ एंड ओ के स्टॉक निकाल के देता है, चार्ट में सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए इस स्किनर के लिए, और ये वॉच लिस्ट क्रिएट करता है। तो यही दोस्तों यहाँ मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट करी और अब देखना आप यहाँ पे 2.7% अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आराम से हम लोगों को यहाँ पे निकल जाता है। तो बोलो सर 2.7% इंट्राडे में, आप तो 1% देते हो जनरली, लेकिन इस स्टेडियम में दोस्तों 2.7% के आसपास हमको बनने की काफ़ी चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने टारगेट नहीं दिए। अब बात कर लेते दोस्तों इसी स्टॉक का, मैं आप लोगों को ऑप्शंस के लेवल भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों लेफ्ट साइड मैंने कैश सेगमेंट खोला है, राइट साइड मैंने 29 फेब की 29:40 के कॉल की स्ट्राइक प्राइस का 5 मिनट का कैंडल ओपन है। अब बोलोगे दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इनकी जो एक्सपायरी काफ़ी दूर है इसलिए सिमिलर दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों होना क्या है, जब ये इसका ब्रेकआउट देगा, ये रही वही लाइन, जब इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको टेलीग्राम पर अलर्ट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, जैसे मैं बताता हूँ ये ब्रेकआउट आएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, लेफ्ट साइड कैश सेगमेंट का है, राइट साइड हमको ऑप्शंस पे कब जाना है, जब ये ब्रेकआउट देगा तभी हमको ऑप्शन पे कूद नहीं पड़ना है, हमको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। ये देर से ब्रेकआउट देगा दोस्तों, पहले ये ब्रेकआउट देगा, ये देर से देगा क्योंकि डिके टाइम डिके की वजह से, तो ये हमको लेना है दोस्तों प्राइस में, अभी बता देता हूँ आपको, 76 रुपये कॉल का प्राइस, जब 76 रुपये पे आएगा तभी हमको इसमें एंट्री लेना है, अभी चल रहा है 55 रुपये। अब बोलो सर महंगे में क्यों खरीदा है, दोस्तों ऐसे ही होता है, महंगे में ही लेना है हमको ब्रेकआउट के बाद, तो 76 मैंने लिख दिया, तो 76 पे हम लोग यहाँ पे अगर इसका टूटता है तो कॉल हम आराम से परचेस कर सकते हैं। अब चलते दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में, दूसरे स्टॉक जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को
जो एक चार्टिंग स्कैनर है जो मैं लेकर आया था उसके बारे में आपको क्विकली बता देता हूँ कि ये चार्टिंग स्कैनर क्या करता है। उसका मैं आपको स्टॉक में निकाल के दिखाऊंगा क्या परफॉर्मेंस रहा है। महाब्रेकआउट स्टॉक का नाम है दोस्तों। महाब्रेकआउट क्यों रखा है दोस्तों? क्योंकि जब भी कोई स्टॉक की ऐसी 5 मिनट की कैंडल, किसी स्टॉक की ऐसी मैजिकल 5 मिनट की कैंडल जो अपने प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट करती है, वही 5 मिनट की कैंडल अपने प्रीवियस 1 आवर के हाई का भी ब्रेकआउट करती है, वही 5 मिनट की कैंडल अपने प्रीवियस 15 मिनट के हाई का और अपने पड़ोसन 5 मिनट के हाई का। दोस्तों एक फिर से रिपीट करो, एक ऐसी कैंडल जिसमें ये सारे ब्रेकआउट सिर्फ एक ही 5 मिनट कैंडल के अंदर समाहित हों, तो जब दोस्तों उसमें एक मूवमेंट आता है तो एक बड़ा दोस्तों वहाँ पे हम लोग को ब्लास्ट होता हुआ दिखता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर उसने हमको कल 2 स्टॉक्स निकाल कर दिए। एक दिया 10:15 पे, कोई डिले जैसी चीज़ नहीं होती दोस्तों, मेरे पूरे प्राइस एक्शन बेस्ड स्क्रीनर्स होते हैं, उनमें 1 मिनट का भी डिले नहीं होता है। तो सन फार्मा 10:15 पे उसने क्या ये कंडीशन मैच हुई, क्या किसी 5 मिनट की कैंडल ने सारे ब्रेकआउट दिए? तो देख लेते भाई यहाँ पर क्या हुआ। 10:15 ये क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर लोड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते दोस्तों, कुछ इंटरनेट में कुछ ग्लीच आया होगा। ओके चलो आ गया। तो कहाँ है भाई कल की बात, क्या था टाइमिंग? 10:15, ठीक है। 10:15 पे क्या क्या होना था? ऐसी 5 मिनट की कैंडल बननी थी जिसने हमने सारी चीज़ों का ब्रेकआउट दिया। तो क्या हुआ क्या भाई ऐसा? पहले हम 10:15 कहाँ पर हो रहा है, 15 ही था ना, हाँ 10:15 हो रहा है भाई इस कैंडल पे, ये रही वो कैंडल, ठीक है। अब मैं इसमें एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमको पता लग जाए कि सारे ब्रेकआउट हो रहे हैं क्या। तो ये मैंने ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखो सबसे पहली कंडीशन थी प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट होना है, तो प्रीवियस डे का हाई ये रहा, इस कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट किया, जी हाँ बिल्कुल किया, अपनी पड़ोसन 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दिया, यस दिया, 15 मिनट यानी 3 कैंडल कंसिडर कर लूँ, यस दिया, 1 घंटा यानी कि कुछ यहाँ तक होगा 1 घंटा उसको भी कर, सारा उसने एक साथ दोस्तों ब्रेकआउट दिया। और जब ब्रेकआउट दिया दोस्तों, इतना बड़ा ब्रेकआउट जब कोई देगा कैंडल, तो दोस्तों उसके बाद स्टॉक लाजमी सी बात बनती दोस्तों कि स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा। अब 2% की बात नहीं करता मैं, 1% की बात करता हूँ इस वाले स्कैनर पर, ठीक है। अब एक और स्टॉक देख ही लेते इसने क्या बिगाड़ा है, बहुत लेट जनरेट हुआ है दोस्तों, चलो देखिए लेट भी हुआ तो क्या हुआ, हम टेक्निकली जाएंगे कि क्या इसने वो कंडीशन फॉलो की। अदानी पोर्ट्स 3 बजे, अब 3 बजे गया तो ठीक है भाई, तो करके रख सकते हैं, नहीं हुआ तो BTST कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये रही वो कल का हाई, ये रहा कल का हाई मैंने मार्क कर दिया, ये रहा 3 बजे वाली कैंडल, ये है वो 3 बजे वाली मैजिकल कैंडल, ठीक है, जिसने अपनी पड़ोसन 5 मिनट के हाई का ब्रेकआउट किया, 15 मिनट के हाई का ब्रेकआउट किया, 1 आवर के हाई का ब्रेकआउट किया, साथ ही उसने प्रीवियस डे के हाई का भी ब्रेकआउट दिया, इतना सारा ब्रेकआउट दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए कितना भागा होगा ये, हाँ तो जैसा मैंने बोला दोस्तों लेट आया, 1% का टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा उसने बड़ा मूवमेंट 0.8% के आसपास का बड़ा मूवमेंट निकाल के यहाँ पर दिया। तो ये दोस्तों ये था स्कैनर की पावर। तो आपको स्कैनर चाहिए दोस्तों, एंड्रॉइड एप्लीकेशन मेरे 5 से 6 बेस्ट स्कैनर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो, हाउ यू कैन गेट द स्क्रीन। अब बात कर लेते भाई ग्रासिम की। दोस्तों ग्रासिम मैंने कैसे निकाला है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसी वाली स्ट्रेटजी बेस्ड निकाला है मैंने। ग्रासिम वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, ये स्कैनर का नाम है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको पहले वीकली कैंडल पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर ये देख रहे हो सो वीकली 2 कैंडल बनी, ठीक है। और आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, ये वाली कैंडल बड़ी हाई बड़ा है, इससे ऐसे ही निकलते थे स्टॉक में, कुछ थोड़ा सा 0.1% मैंने इसको बड़ा रखा है, इसको छोटा रखा है, ताकि ब्रेकआउट होने वाला है, हो चुका है ने के बाद तो हम लेते हैं एंट्री, शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, अच्छी बात है, वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन लेने वाला है में क्या होता है, जब हमको पहली बार जब कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है ना ऑन द स्पॉट, वो सेम डे इतना परसेंट जनरली देखा गया कि इतना परसेंट पहले दिन तो भाग ही जाता है, फिर कंसोलिडेशन आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है स्लोली स्विंग ट्रेड के लिए या फिर लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले दिन ही जब, और वो भी दोस्तों ये ग्रासिम वगैरह F&O के स्टॉक है, ऐसे दिग्गज स्टॉक जब ब्रेकआउट देंगे दोस्तों आपको पता ही होगा एक एक वीक में कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हैं, 5-5% का कैंडल बनाते हैं, तो इसका ब्रेकआउट होगा तो ऑन द स्पॉट बात बनती है दोस्तों कि 2-3% मूवमेंट दे के जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ 5 डेली में लेके आ जाता हूँ, डेली में चलते, ये देखिए दोस्तों डेली में चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे। तो ये दोस्तों कल के लिए मैं लेकर आया हूँ ये वाला स्टॉक ग्रासिम, ठीक। इसके भी दोस्तों मैं लेवल नहीं दिए, क्यों नहीं दी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इस तरह की थ्योरी आप लगा के
लेवल निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो सिंपल सी लॉजिक ये रहने वाली है कि इसको ब्रेकआउट करेगा क्रॉसिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है बाय एक्टिवेटेड फॉर इंट्राडे। ठीक है, और स्ट्रेटजी कौन सी बेस्ड, स्ट्रेटजी पर कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ड है, ये वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। मैं शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। हाँ ओके, ये थे भाई दो स्टॉक। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रासिम के ऑप्शंस के लेवल्स के बारे में भी। लेफ्ट साइड मैंने ग्रासिम का कैश सेगमेंट का चार्ट ओपन किया हुआ है, राइट साइड मैंने ग्रासिम का 222 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का 29 फेब की एक्सपायरी का चार्ट ओपन किया। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया और राइट साइड मैंने उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों, कल ये इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा कि भाई इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस वालों को अभी नहीं कूद पड़ना है, ऑप्शंस वालों को थोड़ा सा वेट करना, थोड़ी देर से ब्रेकआउट होगा। ऑप्शंस वालों के लिए मैं बताया था भाई 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये के ऊपर ही हाँ जाएगा तभी हमको कॉल खरीदना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों मैं जानी लेके आता हूँ वही मैं बनाऊंगा वीडियो, कल संडे को बना लूंगा मैं उसका वीडियो, तो आपको पब्लिश कर दूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। जय महाकाल।